We'll take this point as node V at high potential, we'll take it as very high potential V. यहाँ से आप सब डायरेक्शन में करंट को मान लेते हैं. जब हाईएस्ट पोटेंशियल पर होगा तो सीधी बात है वहाँ से करंट सब तरफ बहेगा, ठीक है. ऊपर से पानी बहा बहुत सारी डायरेक्शन में चला जाएगा वो, ठीक. तो ये I1 है, ये I2 है और फाइनली सबकी कोशिश क्या रहेगी, समंदर. मैंने बताया था अर्थ पॉइंट इज जस्ट लाइक सी लेवल, ऑल रिवर्स ट्राई टू फॉलो पाथ सो दैट टू रीच टू दैट रिवर. यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. यहाँ से ये हाईएस्ट पीक है पहाड़ हिमालय, यहाँ से निकली सारी नदियाँ, दे विल ट्राई टू रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है. तो जब यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, जीरो पोटेंशियल पर है ये, तो यहाँ पर आपको पता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कहाँ करूँ, इधर पे जगह है क्योंकि इतने से भी हो जाने वाला है सवाल, इतने छोटे में. आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. आई वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वी माइनस ट्वेल्व अपॉन 500 प्लस आई टू की वैल्यू कितनी है, वी माइनस टू, इसका गैलोमीटर का स्मॉल जी मान लेंगे आप, ठीक है. वी माइनस टू अपॉन स्मॉल जी, ये रेजिस्टेंस मान लेंगे जिसको बाद में हम जीरो कर देंगे क्योंकि उसका है नहीं रेजिस्टेंस. जब किसी पार्ट में कोई रेजिस्टेंस ना हो तब भी नोड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ये मेट्रिक है, ठीक है. उसका उस पार्ट का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल जी मान लेंगे, उसको बाद में जीरो कर देंगे. जैसे लिमिट में करते थे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वैसे जी टेंड्स टू जीरो है यहाँ पर. एंड देन इस लास्ट वाले में वी माइनस जीरो अपॉन एक्स, वी माइनस जीरो अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो. पूरे में 500 जी एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो 500 जी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी माइनस ट्वेल्व इंटू जी एक्स प्लस वी माइनस टू इंटू 500 एक्स प्लस वी इंटू 500 जी इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर आकर के आप जी टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं, जी टेंड्स टू जीरो. तो जी टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो इससे अपने को क्या मिलेगा, वी माइनस टू इंटू 500 एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी इज इक्वल टू 2 वोल्ट. ये आपको पता चल गया, यानी इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया. तो जब 2 वोल्ट हो गया तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना अपने को. एक मिनट, I2 कौन सा वाला है, वी माइनस टू अपॉन जी, तो जीरो हो ही जाएगा वो. तो हमको एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी फिर, तो कैसे, आपने आई टू की वैल्यू को जीरो कर दिया, छोड़ दो उसको, लेट इट बी जीरो. जब जीरो कर दिया तो क्या बचेगा, वी माइनस ट्वेल्व अपॉन 500 प्लस वी अपॉन एक्स. आपने वी की वैल्यू को कितना ले लिया, 2 वोल्ट. कैसे ले लिया है, क्योंकि ये जीरो है, जीरो कब होगा, जब वी इज इक्वल टू 2 वोल्ट होगा. तो यहाँ पर 2 वोल्ट पुट कर दोगे, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 2 माइनस ट्वेल्व अपॉन 500 प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये माइनस 10 अपॉन 500 आएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 अपॉन 500. 2 से 5 टाइम्स गया, 5 से 100 टाइम्स गया, तो एक्स की वैल्यू 100 ओम आ जाएगी, ठीक. और इसलिए मैंने दो मेथड बताया कि यदि इसमें कुछ आपको दिक्कत जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो. फिर से रिपीट कर दूं, I1 V माइनस 12 अपॉन 500 है.